हम लोग ए प्लस टेलीविजन रमजान इश्क है माया खान की तरफ से आपके लिए राशन लेकर आए हैं। पुलिस वालों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे घर तक आए, दूसरों के एहसास करते हो, ख्याल करते हो रमज़ान के सदक़े में। तो बहुत दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको और ज़्यादा पॉपुलर करे और तरक्की दे। जबरदस्त काम हो गया ये तो। अच्छा हम वापस आ गए। अच्छा सॉरी फौजी साहब, एक बार फिर हमारे रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आज पकोड़े कुछ ज्यादा खाना नहीं लग रहे मुझे, कुछ माशाल्लाह बचा और बकिया जो बैटर है यहाँ पर उसमें चिकन और प्याज वगैरह सब है, तो वो दानिश भाई कंटिन्यू कर लेंगे। और हम ये बेटा इसको वो लाओ जिस तरह मैंने उस दिन पैक किया था ना प्लास्टिक, वहाँ उसके साथ कवर करो, वरना अमजद भाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये मैं इधर रख देती हूँ और इसको पैक करो उस दिन की तरह। चले भाई, डॉक्टर साहब आपने एक बच्चे के साथ आप यहाँ बैठी हुई हैं और अब तक थेरेपी जो बता रही हैं वो किस हवाले से एग्जैक्टली? हस्बैंड को काबू करने के। हस्बैंड को काबू करने, ये भी बड़ा होके एक हस्बैंड बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, लोग अल्फाज से गलत ना ले लें। एक्चुअली कोई जादू या कोई ऐसे अजीब सी चीज नहीं है, पॉइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं। और ये जो मैंने बीज लगाए थे ये सीड थेरेपी कहलाती है। और जो थर्ड फिंगर है ये डिप्रेशन का पॉइंट होता है बॉडी के अंदर, और जब हम इसके ऊपर मेथी दाना लगाते हैं तो वो डिप्रेशन को खत्म करता है। बाकी जो चीजें कर रहे हैं वो भी बॉडी के पॉइंट्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि हमारे मिजाज को, मूड को, टेम्पर को कंट्रोल करता है। इसमें हम करेंगे, हमें लेवेंडर ऑयल चाहिए, ये आपको आराम से मिल जाएगा। अच्छा इसमें बच्चा मेरे पास, एक छोटा सा बच्चा है, खान इसको पकड़िएगा बस बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर बैठो। अच्छा दोनों मोंडों के दरमियान जो ये जो पॉइंट है गर्दन का, जहाँ पे एक हड्डी उभरी हुई होती है, इस पॉइंट पे आपने सिर्फ लेवेंडर ऑयल लगाना है और इस तरह से उसका मसाज करना है। ये होता क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसकी वजह से बहुत गुस्सा आ रहा है या मिजाज बहुत तेज हो गया है या आपको कंट्रोल कोई चीज नहीं हो रही है, या आप बच्चे, बड़ा ही नहीं बच्चा हो उसके लिए भी है कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो इसका सिर्फ रोजाना मसाज करना है और इस तरह से। डॉक्टर साहब आपने कभी कहा कि बच्चों के ऊपर भी हो सकता है? अक्सर बच्चे अक्सर औकात जो हैं वो जिद्दी, उनका नेचर में बहुत जिद्दी बना जाता है। अच्छा नहीं खाना तो नहीं खाना, जमीन आसमान एक कर दो, नहीं खाना। अच्छा जो पसंद है वही खाना है, ठीक है, और उनको अक्सर वही चीज चाहिए होती है जो घर में नहीं बनी होती, ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। प्लस ये उनके मिजाज में अक्सर औकात बच्चों को आजकल मैं देख रही हूँ आसपास बच्चे, उनके अंदर ना एक बड़ी एक चीज आ गई है जो बड़ों की चीजें देखेंगे। मुझे नहीं पता किसी घर में और ऐसा होता है, लेकिन मेरे घर में एक फ्रेंड मेरी है, उनके घर में ऐसे, वो परेशान कह रही है हम जो ड्रामे देखते हैं वो उसी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैंने कहा भाई आप मत देखो वो ड्रामे उसके सामने, आप जब ड्रामे देखोगे वो उसी से लेगा। जी बताइए। अच्छा सिर्फ यही नहीं, जैसे आज इत्तेफाक से मुझे इसलिए याद आई बात कि सुबह ही मेरे पास एक पेशेंट था, बच्चा था वो 14 इयर्स का, और उसकी माँ, मतलब बकायदा उसका माँ से झगड़ा होता है, इतना हाइपर बच्चा है कि कंट्रोल नहीं होता है और उसको कुछ भी नहीं, हर लिहाज से बहुत अच्छा बच्चा है, बट जब उसको गुस्सा आता है तो वो ये नहीं देखता कि सामने माँ है बाप है या कौन है, तो अभी वो बदतमीजी बहुत इंतहा तक कर जाता है। ADHD एक बीमारी होती है, बच्चे उसमें बहुत हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल जो फूड होते हैं उसकी वजह से वो बढ़ती है। अच्छा उसमें ये क्या, सिर्फ सिंपल ये लेवेंडर ऑयल लेना है, अपने बच्चे के भी आप यहाँ पे लगाइए। वो कहते क्या है, ये स्ट्रेस पॉइंट्स वाली जगह आती है, यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड का लिंक है, ठीक है, ये जो हड्डी है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि पूरे हमारे मिजाज को, हमारी बॉडी के हार्मोन्स को सेट करता है, बैलेंस रखता है। इसका आपने मसाज करना, इसको यहाँ तक लेके आइए। और लेवेंडर ऑयल एक ऐसी चीज है कि अगर आप घर में रखते हैं तो ये खजाना है, मतलब हजारों बीमारी का इलाज है, सिर्फ एक तेल बहुत भरा होता है, मेरे पास बहुत। इसको आपने कनपट्टी पे लगा दिया, आपका फौरन सर का दर्द खत्म हो जाएगा और नींद आ जाएगी। कनपट्टी पे भी नहीं लगाना, सर पे नहीं लगाना, तकिए पे डाल दीजिए चंद कतरे, आपको फौरन नींद आ जाएगी। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। आपको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा स्टीम ले लीजिए, पानी में डाल के लेवेंडर ऑयल की स्टीम ले लें, फौरी तौर पे आपको लगेगा आप रिलैक्स हो गए,
आपकी नाक बंद है, नाक खुल जाएगी और बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाएगी। थोड़े से रोज वाटर में डाल लीजिए, बॉटल में भर लीजिए, स्प्रे बॉटल में। कहीं पे भी आप बाहर जा रहे हैं पूरे दिन का आपका आउटडोर स्प्रे करते रहिए, आप पूरा दिन बिल्कुल भी नहीं थकेंगे और चेहरा फ्रेश रहेगा। एक सवाल है मेरे चारों भाई पूरी दुनिया में, इनफैक्ट जवेरिया, ये लोग पूरी दुनिया में, इनकी महफिलें हैं, इन लोगों को जाना होता है, टाइमिंग्स का आगे पीछे होता है, मतलब अक्सर औकात जब इन लोगों से मैं बात भी कर रही होती हूँ, उन लोगों की आवाज के वोकल्स ही बदले हुए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि थकन की वजह से इन लोगों की आवाजें जो है वो उस पर असर अंदाज करती है। प्लस इनके सोने का रूटीन बहुत अजीब होता है, इनका रेस्टलेस होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये रेहान भाई, फरहान भाई, अमजद भाई और आसान भाई और जवेरिया अपने साथ ट्रैवलिंग में थोड़ा स्प्रे अगर लैवेंडर के साथ डाल लें, तो अगर वो स्प्रे करते रहे या अपने लगाते हैं तो क्या? लेवेंडर की इतनी छोटी छोटी बॉटल्स भी मिल जाती है, हर साइज में मिल जाता है। लेवेंडर ऑयल आपके बैग में, आपके पॉकेट में है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ निकाल के सूंघना है, सिर्फ सूंघना, सिर्फ सूंघना है, तो और कुछ नहीं करना है। फरहान भाई सुने कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ओके, देखिए अभी भी इनकी आवाज जो है ना, इनको खांसी थकने की वजह से और कुछ नहीं है, सिर्फ स्लीपलेस है। सहरी में भी ट्रांसमिशन में जाना है, अफ्तारी में भी जगह, हर जगह जाना है अफ्तारी में, और मेरा जाना बहुत जरूरी है और मेरा थकना बहुत जरूरी है। मतलब मैं आराम तो बिल्कुल करूंगा ही नहीं ना, डांट पड़ेगी आपको अब लाइव, पता है सच्ची में, सच्ची वाली डांट पड़ेगी इस वक्त आप लोग। नहीं मैं तो क्या करूँ बेटा, अगर कोई बात कर रहा होता तो उसके पास माइक ले आते हैं, पता नहीं तुम लोग कब बड़े होके, पता बड़े होके तुम सब ड्रैग बनोगे। अच्छा आप लोगों ने वाकई में ये आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज है, आप लोगों की ट्रैवलिंग, आप लोगों के टाइमिंग्स, आप लोगों का जो थकना, प्लस आपका ताल्लुक आवाज से है, जब आप थकेंगे तो आपकी आवाज आगे पीछे गला खराब होगा। अपने साथ मैं अमरीन से भी कहूंगी डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे भी उन्होंने लैवेंडर ऑयल दिया था, लैवेंडर ऑयल अगर आप अपने पास रखिए, ट्रैवलिंग में अपना ख्याल रखिए ताकि आप लोग उसको यूज करते रहे। मुझे कितनी फिक्र है, मैं जन्नती बहन हूँ, उसको यूज कैसे करना है बता तो रही है, सुनेंगे तो हंसने ज्यादा फुर्सत मिलेगी तो सुनेंगे ना। उधर देख चारों को अलग अलग बैठा दूंगी, इन लोगों चारों का एक जगह बैठना खतरनाक हो जाता है जी। अमीन बताएं। अच्छा इसके अलावा लेवेंडर के अलावा मैं जा रही हूँ आवाम के पास, आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है यार, मैं इधर आ रही हूँ, हेलो। हाँ नहीं तो बोर कर दिया। अच्छा एक जो हमारा जो पैर है, जो उसका तला होता है, तलवा जिसे कहते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी का एक मेन जैसे ना रिफ्लेक्स पॉइंट होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक खास अंदाज से ऑयल लगाया जाता है और वो लेवेंडर ऑयल ही होता है, ठीक है। अच्छा उसके साथ साथ ये अगर बेगमा जो है हस्बैंड के लगा लें, अगर बेगम को बहुत गुस्सा आता है तो हस्बैंड जो है ना बेगम के लगा दें, दोनों लगा सकते हैं एक दूसरे के, वो तरीका मैं रख के तो लगाना मैंने सुना था, अगर रख के लगाते हैं, ये लगाना मैं फर्स्ट टाइम सुन, ये भी एक खास तरीका है, ठीक है। इसको आप देखें साथ में रेहान भाई एक दुआ भाई है। क्या हुआ? जी हाँ बोले। अच्छा इसमें जो है रेहान भाई एक दुआ बता रहे हैं, पहले वो दुआ बता दें उसके बाद मैं ऑयल का बताऊंगी। ओके रेहान भाई मियाँ बीवी में आपस में रेहान भाई का लेवल बढ़ाएगा बेटा, रेहान भाई जरा दुआ, छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, बेचैनी परेशानी जैसे होते हैं ना घर में, लड़ाई झगड़े होते हैं, जी जी जी। तो सूरह वद्दुहा, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, पूरी सूरत 7 मर्तबा अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ, तो या मियाँ पढ़ लें या बीवी पढ़ लें, जो पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, और पढ़ के अदायगी उसको पानी पे दम करके वो मियाँ बीवी पी लें। अच्छा, पानी दम करके रखा जा सकता है? हाँ, पूरा दिन में एक बोतल में दम कर लें और अच्छा यानी कि अगर एक दफा उसको रोजाना उसको चेंज करते रहें पानी। अच्छा रोजाना मतलब दोबारा पढ़ के दोबारा वो सारा दिन इस्तेमाल करें। आप भी खुद पढ़ के फूंक सकते हैं और आप पिला भी सकते हैं। अच्छा वेरी नाइस माशाल्लाह, इंशाल्लाह इससे आपस में मोहब्बत में बढ़ेंगी। जज़ाकअल्लाह खैर, जज़ाकअल्लाह। कल जो हमारे पास एक केस था उनका यही मसला था, अगर उनके साथ कोई करे तो बहुत फर्क पड़ेगा। एक सेकंड वो स्विच करेंगे तो आप करिएगा। हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब। ठीक है अच्छा जी ये मैं बता दूं बेटा, पैर सीधा रखो जी। इसमें जो है नॉर्मली हम तेल जिस तरह से लगा रहे होते हैं सीधे सीधे अंदाज से तेल लगा देते हैं, लेकिन इसमें खाली ऑयल नहीं लगाया जाता बेटा, सीधा करो पैर, ऑयल लगा के थोड़ा सा ऊपर रखना और इसको जैसे लाइक मुट्ठी होती है इस तरह से इसको आपने आटा गूंद रहे हैं या मुट्ठी के साथ, ये हमारे पूरे बॉडी के रिफ्लेक्स जो है पॉइंट्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और जो भी आपकी बॉडी के अंदर कमी होती है, प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपका बैड बिहेवियर जो है बैड हो जाता है या रवैया बहुत खराब हो जाता है तो वो इसकी वजह से ठीक हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ शौहरों पर किया जाए,
शौहर बीवियों पे भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे कि इसी बहाने पैर पकड़वा लेंगी सारी मेरी बहनें, इसी बहाने बहनों से इसी बहाने पकड़ लेंगे। हाँ, सारे मेरे जीजा जी जो है ना वो तब जाएंगे, ये क्या कह दिया डॉक्टर अमरिंदर ने, फिक्र नहीं भाइयों मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन मत लेना। अरे भैया आप लोग नई इस तरह तोहफे दिया करें यार, बहुत शुक्रिया थैंक यू, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह थैंक यू। मैं इसलिए तो नहीं बैठी आप लोगों के साथ आगे, ऐसी बैठी। अच्छा ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं ये कोई जादू नहीं है, सिर्फ बॉडी के डिफरेंट रिफ्लेक्स पॉइंट्स है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो पॉइंट से भी ज्यादा एक चीज है दोनों हस्बैंड वाइफ का करीब आके इंटरेक्शन करना, कि इस तरह से एक दूसरे के लाइक अगर वो अपने हस्बैंड की मसाज कर रही है उसकी थकन दूर हो रही है तो वैसे ही दिल में जगह हो जाती है, इसी तरह से हस्बैंड अगर कर रहा है तो उसको लगता है कि वो उनको तवज्जो दे रहे हैं, तो एक दूसरे की फिर बात सुनते भी हैं और मानते भी हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं ये चीज़ ऐसी है कि हम बार बार दोहराएंगे क्योंकि डॉक्टर साहब ये बहुत खैर की बात है, ये बहुत अच्छी बातें हैं, दुआ बताई रेहान भाई ने, ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे का, हमारे यहाँ आजकल क्यों नाराजगियाँ हो रही हैं, क्यों झगड़े हो रहे हैं, क्यों बात बात पर चिड़चिड़ापन हो रहा है, अगर हमें उसकी वजह नहीं मिल रही कम से कम उसके हल की तो तरफ हम देखें, बिल्कुल हल की तो तलाश होनी चाहिए। सभी मेरी बात से बहुत इतफाक करते हैं इस वक्त, इस बात से आजाद, इस वक्त हमें हॉर्लिक्स के यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे, और ये तमाम बच्चे जिनके आज पहला रोजा है, हॉर्लिक्स अपने बच्चों को रमजान में भरपूर गिजायत दें, हॉर्लिक्स के सर बादाम के साथ चंकी मंकी की तरफ से फ्री गेमिंग कार्ड और अरफान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। आइए ग्रुप फोटो जाए, डॉक्टर साहब आइएगा, रान भाई आ जाए, जवेरिया आ जाए, अमजद भाई, फरहान भाई, हसान भाई मेरे कमरे से निकल कर आ जाए, फौरन मेरे कमरे में देख रहे होंगे लोग, आ जाए जल्दी शाबाश बाहर आ जाए, वरना ग्रुप फोटो में नहीं आने दूंगी मैं। और साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं इन लोगों का हाथ धुलाए जाएंगे अफ्तार से पहले लाइफ बॉय पर, बिकॉज अफ्तार से पहले लाइफ बॉय टाइम होता है। आइए जी ग्रुप फोटो आ जाए, आ जाए रेहान भाई आइएगा, डॉक्टर साहबा आ रही है, डॉक्टर साहबा आ जाए, जी मैं ठीक है खुदी नजरात, यहाँ पर ये फोटो लेते हैं इंशाल्लाह, फिर ये अपनी फैमिली के साथ पोर्ट्रेट्स बनवाएंगे, इस वक्त के बाद हमारे साथ रहिएगा, हम भी वापस आते हैं रमजान इश्क़ आपके मुल्क।